हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके घरों में ओवन या फिर माइक्रोवेव लगाने की बारी आती है तो आप में से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लेसमेंट कहाँ पे रखें। हम उसको काउंटर टॉप के ऊपर रखें, काउंटर टॉप के नीचे रखें, या फिर कहाँ पर रखें, और इसकी क्या डायमेंशन हमें रखनी चाहिए, और किस तरीके से जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, तो वो जो है मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस चीज़ से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो इस वाली वीडियो को देख करके पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आइडियल जो उसकी पोजीशन है माइक्रोवेव या फिर ओवन की, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको जो भी वहाँ पे बंदा किचन को सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और आपको उससे कंसल्ट करना है, उसकी हाइट कितनी है ये भी एक बार चेक कर लेना है, और उसके हिसाब से आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब उसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे तो। लेकिन जो सबसे पहले जो आइडियल सिचुएशन है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ, कि जो भी बंदे की हाइट है उसका शोल्डर का लेवल है ना, शोल्डर के लेवल से जो है वो 3 इंची डाउन होना चाहिए। अगर ये लेवल अगर मिल रहा है आपका माइक्रोवेव के ओवन या फिर माइक्रोवेव या फिर ओवन का, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे आइडियल है। और लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये तो एक कंडीशन है ही है, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि जो मैक्सिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 54 इंचज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की जो है वो हाइट नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी चीज़ है, मतलब आपको 3 इंच तो डाउन रखना ही रखना है, लेकिन जो मैक्सिमम जो है वो आपका फ्लोर लेवल से वो 54 इंचज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी जो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं माइक्रोवेव या फिर ओवन के सेकंड पोजीशन के बारे में। तो जो इस सेकंड पोजीशन में आपको जो सेकंड पोजीशन है वो है काउंटर टॉप, जो है उसके नीचे भी आप दे सकते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा भी होगा, और आप नेट पे भी अगर सर्च मारेंगे किचन डिज़ाइनिंग, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जगह पे दिखेगा। तो अब इसकी डायमेंशन कितनी रखनी है, तो देखिए, जो आपका फ्लोर का जो लेवल है ना, उससे जो है 15 इंचज़ आपका मिनिमम ऊपर होना चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा ज़्यादा होता है तो चलेगा, लेकिन 15 इंचज़ जो है वो मिनिमम होना ही चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं थर्ड पोजीशन के बारे में। तो जो आपका काउंटर टॉप होता है उसके ऊपर भी जो है आप माइक्रोवेव या फिर ओवन को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो कंट्रोल का जो पॉइंट है वो 46 इंचज से लेकर के 48 इंचज के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों, इसी में ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप माइक्रोवेव या फिर ओवन को जब आप एक्सेस करते हैं, तो आप में कोई भी सामान जब डालेंगे या फिर निकालेंगे, तो आपको बेसिकली जैसे आप कोई भी प्लेट लगा रहे हैं, फिर आपने केक बेक करने के लिए आपने अंदर रखा, तो निकालेंगे तो आपको उसे काउंटर टॉप के ऊपर तो रखना ही पड़ेगा। तो साइड में जो आपको जगह चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप माइक्रोवेव को अगर आप ऊपर की साइड रख रहे हैं, तो आपको नीचे की साइड जो है वो 15 इंच का एकदम फ्री स्पेस छोड़ना चाहिए प्लेट व्लेट रखने के लिए, क्योंकि गर्म वर्म होती है तो एक्सेस करने में इशू नहीं रहता। और इसी तरीके से अगर काउंटर टॉप के नीचे अगर आपने माइक्रोवेव या फिर ओवन को इंस्टॉल करा, तो उसके ऊपर आपको जो है वो फ्री छोड़ना चाहिए 15 इंच का। और इसी तरीके से अगर आपने काउंटर टॉप के ऊपर आपने प्लेस अगर छोड़ रखा है, काउंटर टॉप के ऊपर रखा है, तो उसके भी साइड में जो है आपको 15 इंची का स्पेस जो है वो छोड़ना चाहिए। तो ये बढ़िया रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, फंक्शनैलिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है माइक्रोवेव के प्लेसमेंट के ऊपर, माइक्रोवेव फिर ओवन के प्लेसमेंट के ऊपर, आपको अच्छी लगी होगी। और किचन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी डिटेल्स की वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एंड में भी जो है आपको मिल जाएगा आपको। और दोस्तों, अभी रिसेंटली जो है मैंने युवा प्लस की एक सर्विस लॉन्च करी है, इसमें कि आप इंटीरियर्स के बारे में सीख सकते हैं। बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इकोनॉमिकल प्राइस में है। तो उसका जो नंबर है वो भी आपको व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साइड पे स्क्रीन पे चल रहा है। तो इस पे आप कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, और इसके बारे में जानिए। अगर आपको लगता है तो आप लीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।